तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर आ रही है आप सभी के लिए। कल रेलवे द्वारा एक नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, उसमें रेलवे ने कह दिया है अब 15 तारीख से हम ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे सभी कैंडिडेट्स के लिए। क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या चीज़ें शुरू रहेगी, हॉस्टल्स जो आपको एकोमोडेशन मिलते हैं उसके भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बातें कम करते, फटाफट ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं और पूरा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये रहा नोटिफिकेशन जो कि आया हुआ है साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा। धीरे धीरे कर सभी जोन, सभी डिवीजन इसे एप्लीकेबल और सभी के सभी इसे फॉलो करेंगे। 1 तारीख को आया हुआ है, देख सकते हैं आप। प्रिंसिपल जो टाटा नगर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आता है उसके रिगार्डिंग में लिखा हुआ है। सब्जेक्ट में लिखा है फंक्शनिंग ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम 15/7/2020। जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है साउथ ईस्टर्न रेलवे में, वो 15/7/2020 इस मंथ की 15 जुलाई से वर्क करना, प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू कर देंगे। किसके रेफरेंस में लिखा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम्स एंड अफेयर। 2 दिन पहले ही अपन ने अपने चैनल पर मिनिस्ट्री ऑफ होम्स एंड अफेयर द्वारा आया नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस किया है, उसी के रिगार्डिंग में ये किया गया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आपका भाई आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहता है। चलिए, अब क्या लिखा हुआ है इसमें? वाइट मिनिस्टर ऑफ होम्स एंड अफेयर। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है जो मिनिस्टर ऑफ होम्स एंड अफेयर का 29 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, उसके फर्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ था जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, उनको 15 तारीख से ओपन करने का, प्रॉपर फंक्शन करने के आदेश दे दिए गए थे। वो भी किसके प्रोसीजर के अंतर? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंतर्गत वो काम करेंगे और उनकी रिपोर्ट और उनको संभालेगा कौन? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT। अब इसी के चलते रेलवे ने क्या इनिशिएटिव लिया है उसके ऊपर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इन द व्यू ऑफ अबव, इट इज एडवाइज टू कीप रेडी टू इम्पार्ट ऑफलाइन ट्रेनिंग टू द ट्रेनीज। जितने भी ट्रेनीज हैं, भले ही प्रमोशन के लिए वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो या न्यू रिक्रूटेड ट्रेनी है, उन सभी को कह दिया गया है कि टाटा नगर जिन जिन को मिला है उन्हें 15/7/2020 से ट्रेनिंग वापस से रिज्यूम की गई है। अब COVID-19 के चलते रेलवे इसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रहा है देखिए। नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है क्लासरूम में, हॉस्टल में, सिमुलेटर में, मॉडल रूम में। आपको हॉस्टल्स भी प्रोवाइड होंगे, क्लासरूम में आपको सोशल डिस्टेंसिंग एक बेंच छोड़कर बिठाया जा सकता है, और जब भी आप प्रैक्टिकल फील्ड नॉलेज लेने जाए तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल अच्छे तरीके से करें। और आगे क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए, इट इज़ ऑल्सो एडवाइस टू इन्फॉर्म टू ट्रेनिंग अबाउट द सेम एज वेल एज इन एडवाइस सो दैट दे कैन अटेंड द ट्रेनिंग सेंटर अकॉर्डिंगली। आपको एक और साउथ रेलवे की साइड से एक और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा DOPD द्वारा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो ट्रेनिंग है वापस से स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, शेड्यूल ऑपरेटिंग प्रोसीजर विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर इश्यूड बाय DOPT। DOPD अभी पूरा का पूरा शेड्यूल जारी कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसी के बाद आपका जो ट्रेनिंग है वो वापस से शुरू हो जाएगा। अब एक ही पृष्ठ आप देख सकते हैं, 1 तारीख को पब्लिश किया गया है, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब देखते हैं दोस्तों वो नोटिफिकेशन कब तक आता है, एज सुन एज पॉसिबल दिनों में आ ही जाएगा, क्योंकि 15 तारीख से इन्हें वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी। दोस्तों, पूरा का पूरा शॉर्ट नोटिफिकेशन था, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या थॉट्स हैं रिगार्डिंग दिस या अदर, प्लीज कमेंट बॉक्स से कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना खुद का ध्यान रखें, लॉकडाउन का भरपूर पालन करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।